नमस्ते, आज मैं आपके लिए ये पुस्तक लेकर आई हूँ। ये है प्रिंसेस। ये सऊदी अरेबिया की राजकुमारी सुल्ताना अल सऊद की सच्ची आत्मकथा है। आइए मैं आपको राजकुमारी सुल्ताना अल सऊद की सच्ची आत्मकथा से कुछ पन्ने पढ़कर सुनाती हूँ। मेरा नाम है सुल्ताना अल सऊद। मेरे नाना सऊदी अरेबिया के अल सऊद महाराजा अल सऊद है। मेरी माँ प्रथम महाराजा महाराजा अल सऊद की सगी बेटी है, इसीलिए मैं सऊदी अरेबिया राज परिवार की जो इनर सर्कल कहते हैं मैं उसकी सदस्य हूँ। जैसे कि सऊदी अरेबिया में आम बात है, मेरे पिताजी की भी चार पत्नियां हैं। मेरी माँ पहली पत्नी थी। मेरी माँ को 10 बेटियां और एक बेटा हुआ। 10 बेटियों में से पहली 5 बेटियां अनपढ़ गवार रह गई। उन्हें घर में केवल एक मौलवी आके सप्ताह के 3 दिन कुरान रोट लर्निंग बाय हार्ट करवाता था, तो खाली उन्होंने कुरान के कुछ आयात कंठस्थ किए, बाकी कुछ नहीं पढ़ा। इस बीच क्या हुआ, हमारी महाराजा महाराजा फैजल एक बार इजिप्ट गए थे, जहां उनकी मुलाकात महारानी इफ्फत से हुई और उन्होंने महारानी इफ्फत से शादी करके घर लेके आए। महारानी इफ्फत इजिप्ट की थी और स्वयं बहुत पढ़ी लिखी थी। वो यही चाहती थी कि कुरान के अलावा राजघराने की लड़कियां कुछ तो सीखे। इसके लिए वो स्वयं घर घर पैगाम भेजती थी और उन्होंने अल सऊद राज परिवार की राजकुमारियों को थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए बहुत कुछ किया। ना चाहते हुए भी मेरे पिताजी ने मुझे और मेरी 4 दीदियों को पाठशाला में भेजा। हम 10 बहनों में से पहली 5 बहनें आज भी अनपढ़ गवार हैं। बाकी की हम छोटी 5 बहनें थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है और ये सब महारानी इफ्फत के कारण हुई है। तो महारानी इफ्फत के कारण मैं पाठशाला जाने लगी। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि सालों बाद एक ऐसा दिन आएगा कि मैं महारानी इफ्फत की इतनी शुक्रिया अदा करूंगी, इतनी शुक्रिया अदा करूंगी। खैर, हम सब राजकुमारियों के लिए एक अलग पाठशाला थी जहां हम जाने लगे। मेरी 2 खास सहेलियां थी, वाफा और नादिया। हम तीनों हमेशा साथ रहते थे। 6 साल की उम्र में 6 साल की मुश्किलों और सुख दुख की बातें करते थे, 10 साल की उम्र में 10 साल की मुश्किलों और सुख दुख बांटते थे, 14 साल की उम्र में 14 साल के सुख दुख और मुश्किल बांटते थे। मेरा जीवन बस ऐसे ही चल रहा था। कहती हैं जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती, हमेशा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे पहले तो मेरी माँ मर गई। हमारी माँ हम सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली महिला थी। हम 10 बहनों को बांध के रखने वाली हमारी माँ थी। माँ के मर जाने के 2 महीने बाद हमारे भाई अली ने हमें आकर बताया कि पिताजी फिर से शादी कर रहे हैं। 3 ही पत्नियां हैं, 4 अलाउड है। माँ मर चुकी थी, पिताजी एक और शादी कर रहे थे। मैंने पूछा, इतनी जल्दी? मेरे भाई अली ने हंसकर कहा, हाँ, मतलब बात तय हो गई, किससे शादी कर रहे हैं पापा? अली ने हंसकर कहा, अब रांडा से, तुम जानती हो ना? कौन रांडा? मेरी सहेली रांडा, मेरी क्लासमेट। अली ने कहा, हाँ वही रांडा। और इस तरह माँ के मरने के 4 महीने के अंदर अंदर पिताजी ने माँ को रिप्लेस किया, वो भी मेरी क्लासमेट से। तो रांडा पापा की पत्नी बनकर और मेरी माँ बनकर मेरे घर में आ गई। वाफा, नादिया और मैं हमेशा घूमने घामने जाते थे सूख, यानी कि बाजार सूख जाते थे। ड्राइवर हमें सूख पे छोड़ देता था सूख के दरवाजे पर, और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बाद आकर सूख के दरवाजे पर हमें पिकअप करके वापस आता था। एक दिन कई कारणों से मैं उस दिन जा नहीं पाई। उस दिन वाफा केवल वाफा और नादिया सूख पे चली गई।
वाफो और नादिया ऐसे ही सूख घूम रही थी। काफी देर हो गया, बाहर आके देखा तो नादिया का ड्राइवर वहां था ही नहीं। देर हो रही थी और उन्हें घर जाने की जल्दी थी, तो उन्होंने घबराहट में किसी से लिफ्ट मांग ली। जैसे ही वो किसी अनजान आदमी से लिफ्ट मांग ली और जैसे ही वो गाड़ी चढ़ने जा रहे थे, मुतावा, जिसे वेस्ट में रिलीजियस पुलिस कहते हैं, रिलीजियस पुलिस हमारी भाषा में मुतावा कहते हैं, वो अचानक से कहीं आके टूट पड़े। तुम दो लड़कियां, क्या तुम इन्हें जानते हो? क्या ये तुम्हारे पिता है? क्या ये तुम्हारे भाई है? क्या ये तुम्हारे बेटे हैं? नहीं है, कोई नहीं है। तुम्हें इस्लाम का कानून नहीं पता, शरिया नहीं पता, अनजान लड़कों से लिफ्ट लेने आ रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? करके वाफा और नादिया को जेल में डाल दिया। जेल में वाफा और नादिया की पूरी शारीरिक जांच हुई। मौलवियों ने छू छू कर वाफा और नादिया का सर से पांव तक जांच किया। डिटेल जांच करने के बाद ये साबित हो गया कि वाफा और नादिया कुंवारियां हैं, उनका किसी से कोई शारीरिक संबंध नहीं है, एंड हाइमन इंटैक्ट, HYMEN, हाइमन INTACT, इंटैक्ट। जब ये पता चल गया कि दोनों कुमारियां हैं और कोई शारीरिक संबंध नहीं है, तो 3 महीने बाद वाफा और नादिया को जेल से छोड़ दिया गया और उनके पिता को, वाफा के पिता को और नादिया के पिता को, मुतावा ने ये कहा कि अजनबी आदमी से लिफ्ट मांगने की सजा आप ही तय करें। वाफा के पिता ने फौरन उसकी शादी करवा दी। 15 साल की वाफा एक 53 साल की मौलवी की तीसरी पत्नी बन के चली गई और नादिया के पिता ने तय किया कि नादिया को मिलती है सजाए मौत। नादिया के पिता ने तय किया कि नादिया को उसी के घर के स्विमिंग पूल में डुबो डुबो के मार दिया जाए। जुम्मे के दिन को नादिया को स्विमिंग पूल के पास लेके आए। नादिया के पिता ने यह भी ताकीद की थी कि सारा परिवार वहीं खड़ा रहेगा। नादिया के पिता की तीनों पत्नियां, उनके बच्चे, नौकर चाकर, ड्राइवर, नादिया के नाना नानी, दादा दादी, सबको बुलाया गया और नादिया के पिता ने ताकीद की कि सब आंखें खोल के खड़े रहे। नादिया के पैरों में लोहे की जंजीरें बांधकर, उसके हाथ पीछे से बांधकर नादिया को उसी के स्विमिंग पूल में डुबो के मार दिया गया। और इस तरह हम 3 लड़कियों की जो मस्त टोली थी, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। उस दिन तो मैं वफा और नादिया के साथ थी नहीं, फिर भी घाई घाई में जल्दी 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 मेरी भी शादी तय कर दी गई। मेरी शादी मेरे ही एक कजन के साथ तय हुई, उसका नाम था करीम। मेरी शादी भी हो गई, हमारी हनीमून भी हो गई और हम वापस आए। जीवन मेरा अच्छा ही चल रहा था। 3 बच्चे हुए, एक लड़का अब्दुल्ला और 2 बेटियां माहा और अमानी। एक बेटा और 2 बेटी और अपने पति के साथ मैं काफी खुश ही रह रही थी। हाँ, सास के साथ थोड़ी बहुत अनबन थी, पर कौन से घर में नहीं होता। सिर्फ एक दुखद घटना थी। इस बीच डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे कैंसर हो गया है, स्टेज 1 पर है। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल डरने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और मैं बिल्कुल ठीक भी हो गई। लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि 4th बच्चा मत करना सुल्ताना, कैंसर से उभरी हो, तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। थर्सडे 28 अगस्त 1980, गुरुवार 28 अगस्त 1980, ये एक ऐसा दिन है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। अगस्त का महीना था, हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। मेरे 3 बच्चे दुबई के एक रेजिडेंशियल समर कैंप में गए थे 10 दिन के लिए। क्योंकि 3 बच्चे दुबई में एक रेजिडेंशियल समर कैंप में थे, घर पे केवल करीम और मैं थे। शाम को मैं बाग में बैठी थी कि अचानक करीम आए। शक तो मुझे तभी हो गया जब करीम मुझसे दूर बैठे और उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे बोला,
देखो सुल्ताना, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब तुम्हारे और बच्चे नहीं हो सकते। हमारी इतनी जायदाद है, हमारे पास इतना पैसा है, और फिर सुल्ताना कम से कम 18-20 बच्चे तो होने चाहिए ना, कम से कम 18-20 बच्चे होने चाहिए सुल्ताना। अब तुम और नहीं जन्म दे सकती, तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं 3 पे बस नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। बेकार में से चिंता मत करो सुल्ताना, प्यार तो मैं तुमसे भी करता रहूंगा, वो सिर्फ 17-18 बच्चे जनने के लिए है। लेकिन ये मेरा निर्णय है, मैं 3 बच्चों पर बस नहीं हो सकता, 18-20 बच्चे चाहिए, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। करीम की ये बात सुन के मैं दंग रह गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा दिन आएगा। मैं तो हमेशा समझती थी कि मैं और करीम खुश हैं और एक दूसरे के लिए काफी हैं। मेरा और करीम का जोर से झगड़ा भी हुआ, लेकिन करीम सुने नहीं और गुस्से में चले गए। मैं जानती थी कि मैं खुला भी लूंगी तो जीवन भर दोबारा बच्चों का मुंह नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे ही करीम घर छोड़ के चले गए, मैंने भी एक बहुत बड़ा फैसला किया। मैं काफी होशियार थी, आते जाते यूं ही झांकते झांकते मैंने पता कर लिया था कि लॉकर नंबर का कॉम्बिनेशन क्या है। मुझे मालूम था कि करीम 2-3 दिन लौटने वाले नहीं है, माँ के यहाँ गए होंगे। मैं जनाना क्रॉस करके मर्दों वाली क्वार्टर्स में गई और लॉकर का कॉम्बिनेशन मैंने लगाया और लॉकर खोला, क्योंकि लॉकर में मेरे और मेरे तीनों बच्चों के पासपोर्ट्स होते थे, मुझे पासपोर्ट्स चाहिए थे। तो मैंने लॉकर खोला, क्या किस्मत है, पासपोर्ट्स तो थे ही, साथ में 10 लाख $ नकद पड़े हुए थे। मैंने फौरन चारों पासपोर्ट और 10 लाख $ नकद सब बटोरा, एक बड़े बैग में डाला। फिर मैंने अपने पायलट को फोन किया। हम राज परिवार के हैं, हमारे यहाँ सबके पास एक एक दो दो एरोप्लेन होती है। जैसे कि आम लोग कहते हैं, ड्राइवर गाड़ी निकालो 10 मिनट में निकलती हूँ, हम लोग कहते हैं पायलट एरोप्लेन निकालो 1 घंटे में निकलती हूँ, ऐसे राज परिवार में ये आम बात है। मैंने पायलट को फोन किया, पायलट को कहा पायलट एरोप्लेन निकालिए, मैं जेड्डा जाना चाहती हूँ। और ये भी आम बात थी, रियाद टू जेड्डा, जेड्डा टू रियाद, हम लोग हमेशा घूमते रहते थे, कोई नई बात तो थी नहीं। पायलट ने कहा ठीक है राजकुमारी, आप आ जाइए, एरोप्लेन तैयार मिलेगी। मैंने अपने सारे गहने 10 लाख $ और चारों पासपोर्ट लिए। फिर मैंने एक कागज कलम लिया, शुक्र है महारानी इफ्फत का जिसके कारण मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। मैंने लिखा, मैं करीम अपनी पत्नी और अपना बेटा अब्दुल्ला और बेटियां माहा और अमानी को देश से बाहर जाने की इजाजत देता हूं, और मैंने हस्ताक्षर किया करीम। हमारी देश का कानून है, जब तक पति साथ में ना हो या पति की लिखित अनुमति ना हो, हम लोग कहीं देश छोड़कर जा नहीं सकते या कहीं भी उड़ नहीं सकते। मैंने लिखा, कागज लिया और मैं चली एयरपोर्ट चली आई। एरोप्लेन की सीढ़ियां चढ़ते समय मैंने पायलट से कहा, एक्चुअली ना बच्चों की बहुत याद आ रही है, एक्चुअली ना बच्चे 1 सप्ताह से समर कैंप में है, मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैंने बच्चों के लिए कई सारे खिलौने और कई सारे स्वीट्स भी लिए हैं, ऐसा करते हैं पहले दुबई चलते हैं, मैं थोड़ा बच्चों को देख लूं, उनको ये सारे स्वीट्स और खिलौने दे दूं, फिर दुबई से जेड्डा चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिटोर ले लेते हैं। सो तो मैं मुस्कुरा के एक दुबई चलते हैं कर रही थी, पर अंदर ही अंदर मैं बहुत घबराई हुई थी। एक बार पायलट कहते ठीक है राजकुमारी, मैं एक बार आपके पति से पूछ लेता हूं करके बोलते, मैं तो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पायलट ने कहा नो प्रॉब्लम, आप बैठिए, मैं पहले दुबई लेता हूं और वहां से जेड्डा लेता हूं। एरोप्लेन में बैठकर मैं यही सोच रही थी, मैं जानती थी कि मेरे इस कदम से मेरे पूरे परिवार पर बहुत असर पड़ने वाला है। एरोप्लेन में बैठ के खासकर मैं अपनी बहन सारा के बारे में सोच रही थी, क्योंकि हम दो बहनों की शादी 2 भाइयों के साथ हुई थी। मेरे इस कदम का असर पूरे परिवार पर तो पड़ेगा ही,
सारा जो उस समय गर्भवती थी उस पर खास इसका बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन सारा की खुशियों के खातिर भी मैं सौत स्वीकार करने वाली नहीं थी। फ्लाइट दुबई पे उतरी। मैंने पायलट से कहा, रुकिए मैं जरा बच्चों से मिलके आती हूँ, और मैं गाड़ी पकड़कर रेजिडेंशियल कैंप गई। रेजिडेंशियल कैंप में मैंने तीनों बच्चों को कहा, चलो चलो चलो, हो गया कैंप, चलो बाकी की छुट्टियां लंदन में मनाते हैं, बाकी की छुट्टियों के लिए लंदन चलते हैं, चलो चलो चलो, ये रेजिडेंशियल कैंप बस हो गया, चलो 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 करके मैंने तीनों बच्चों को लिया, उनको एक टैक्सी में बिठाया और सीधा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दौड़ के आई। वहां बाहर जो टिकट काउंटर्स होते हैं, मैं टिकट काउंटर्स के पास भाग के गई और मैंने कहा, लंदन के लिए कोई भी फ्लाइट है? कोई भी फ्लाइट है? अगले 10-15 मिनट में लंदन के लिए कोई भी फ्लाइट है क्या? उन्होंने कहा, 1.25 घंटे में लंदन के लिए एक फ्लाइट है। 4 टिकट मिलेंगी? उन्होंने कहा, मिलेंगी। $10 लाख नकद पड़े थे मेरे पास। मैंने दिए, 4 टिकट लिए, इमिग्रेशन की तरफ भागी, और इस तरह मैं अपने तीनों बच्चों, अपनी बेशकीमती गहने और $10 लाख नकद लेकर मैं घर छोड़ के भाग गई। आगे क्या हुआ? सुल्ताना कितने दिन लंदन और पेरिस में रह रही थी, उसके पति को पता कैसे चला, फिर उसने क्या किया, वो वापस सऊदी अरेबिया कब आई, कैसे आई, वो तीनों बच्चों को वापस सऊदी अरेबिया लेकर आई तो फिर क्या हुआ, ये सब आगे की कहानी है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप एक बार ये पुस्तक अवश्य पढ़ें। ये सब पढ़ने के बाद मेरी साहिल जी से 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, साहिल भाई, घर जाने की जल्दी में किसी से लिफ्ट मांग लिया तो उसके लिए सजाए मौत? और मेरा दूसरा प्रश्न, साहिल भाई, ये कम से कम 18-20 बच्चे, कम से कम 18-20 बच्चे क्या होता है? हाँ, चाहे नूजोत के पिता जैसा दिहाड़ी मजदूर हो या राज परिवार का करीम हो, सबको कम से कम 18-20 बच्चे चाहिए क्यों? और अगर कम से कम 18-20 है तो ज्यादा से ज्यादा कितना है? और साहिल भाई, मेरा तीसरा प्रश्न, साहिल भाई, किसी जमाने में हिंदुस्तान में भी यही कहते थे कि महिला को बचपन में पिताजी के साथ, जवानी में पति के साथ और बुढ़ापे में बच्चे के साथ रहना चाहिए। वो तो किसी जमाने में यही महिला के लिए अच्छा है करके बोलते थे, किसी जमाने में कहते थे। आजकल तो ना कोई उसे बोलता है ना कोई उसे मानता है। करोड़ों करोड़ों महिलाएं नौकरी करती हैं, अकेली रहती हैं, अकेली घूमती हैं। और वैसे देखा जाए तो ऐसे कानून कई सारे देश में है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप किंग हेनरी दी 8 की कहानी ले लीजिए। जब किंग हेनरी दी 8 ने क्वीन कैथरीन एरेगॉन को तलाक दिया, तो क्वीन कैथरीन एरेगॉन जो कि स्पेन की राजकुमारी थी, उसने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ हम एक बार ससुराल आते हैं तो ससुराल में ही रहते हैं, हमें वापस मायके जाना पसंद नहीं, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया हो तो भी यही मेरा ससुराल है, मैं यही मरूंगी करके वही इंग्लैंड में बगल में एक छोटे से महल लेकर रह रही थी। एनी ऑफ क्लीव्स वीव की भी वही कहानी है, वो भी तलाक के पास वापस जर्मनी नहीं गई, उसने भी कहा हम एक बार ससुराल आते हैं तो यही मरते हैं, ऐसा कह के वो भी वही पड़ी रही। ऐसी कई सारी कहानियां हैं, ऐसी गलत प्रथा, ऐसी गलत चीजें हर देश में होती थी, हिंदुस्तान में भी होती थी, इंग्लैंड में थी, इटली में थी, स्पेन में थी, रशिया की कैटरीना की कहानी तो सबको मालूम है। लेकिन ये गलत प्रथाएं सारे देशों से जा चुकी है, इस्लाम से क्यों नहीं जा रही? ये पति की आज्ञा के बिना बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, ये सारे देशों से ऐसी प्रथाएं जा चुकी हैं, इस्लाम से क्यों नहीं जा रही? ये साहिल भाई, मेरी आपसे तीसरी प्रश्न है।